गाइस आज की वीडियो में हम लोग क्रेमर्स रूल का एक एग्जांपल करने वाले हैं, क्रेमर्स रूल का एग्जांपल करने वाले हैं, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं क्रेमर्स रूल का, नॉन-होमोजेनियस टाइप का एक क्वेश्चन है हमारे पास में, ऐसा है एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू सिक्स है, और टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस जेड इक्वल टू सेवन है, और लास्ट वन थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस नाइन जेड इक्वल टू फोर्टीन है। तो इस तीन इक्वेशन हमारे पास में पड़ी हुई हैं, ठीक है। इनसे जो भी बनेगा वे थ्री क्रॉस थ्री का डिटरमिनेंट होगा, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा जनरेट होगा। ध्यान से लिखिएगा, वन टू और थ्री, दिस वन विल बी टू एंड फोर, लास्ट वन इज टू थ्री वन एंड नाइन, ठीक है। डिटरमिनेंट का ये हमारे पास में लेफ्ट साइड है, ठीक है। राइट साइड अभी हम यहाँ पर रख ले रहे हैं सिक्स सेवन फोर्टीन, दैट विल बी डी वन डी टू डी थ्री की वैल्यू होगी। वैसे डेल्टा निकालना जो होगा वो हमारे पास में वो यहाँ से आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका वही पुराना है, इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो आपके बुक्स में आंसर में बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस का 20 आएगा, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू आ चुकी है, हमने बताया था कि डेल्टा की वैल्यू आइदर ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो आनी चाहिए, इक्वल टू नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू लेस देन टू जीरो क्योंकि माइनस 20 है, ठीक। चलिए, पहला चेक पॉइंट हमारे पास में कंप्लीट हो चुका है। दूसरा चेक पॉइंट जो होता है वो डेल्टा एक्स निकालना होता है। डेल्टा एक्स के लिए हमने कहा था कि पहले वाले कॉलम को जो कि एक्स की वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम लोग डी वन डी टू डी थ्री के वैल्यू से, ठीक है, चेंज करते हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। वन टू थ्री है, ये हमारी एक्स की वैल्यू है। ध्यान से देखें, यहाँ से इस एक्स की वैल्यू को कहाँ से हटाना है हमारे पास में, ये है सिक्स सेवन फोर्टीन। चलिए, इससे जो डिटरमिनेंट बनेगा कुछ ऐसा हो जाएगा, थ्री वन नाइन। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो होगी डेल्टा एक्स की वैल्यू। डेल्टा एक्स की वैल्यू भी अगर निकालेंगे हमारे पास में तो ये भी एक्चुअली माइनस 20 ही आ रहा है, ठीक है। डेल्टा एक्स भी निकल चुकी है, सेम प्रोसीजर डेल्टा वाई के लिए करने वाले हैं हम। डेल्टा वाई के लिए क्या करना होगा, जो हमारे पास में जो प्रिंसिपल डिटरमिनेंट है जो पहला बनाया गया था उसमें वाई वाले कॉलम्स को हटा के हम लोग उसकी जगह पर डी वन डी टू डी थ्री की वैल्यू को पुट करेंगे। मीन्स क्या हुआ, टू फोर टू को हटा के सिक्स सेवन फोर्टीन वहाँ पर प्लेस करेंगे। चलिए देखिए, कुछ ऐसा होगा, वन टू थ्री एंड दिस वन विल बी सिक्स सेवन फोर्टीन एंड लास्ट वन इज द थ्री वन नाइन। इसको सॉल्व करेंगे जब तो हमारे पास में डेल्टा वाई की वैल्यू आएगी, जो कि सॉल्व करेंगे तो आपको माइनस 20 मिलने वाली है। फिर से सॉल्व करने का गाइस तरीका पुराना है, बार बार मैं कह रहा हूँ, आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो पहली वीडियो देख लीजिएगा डिटरमिनेंट का, ठीक है। डेल्टा एक्स निकल चुकी है, डेल्टा वाई निकल चुकी है, और लास्ट वन इज द डेल्टा जेड। डेल्टा जेड निकालने के लिए फिर से हमारे पास में जेड वाला जो कॉलम होगा वो रिप्लेस किससे होगा, फाइनली सिक्स सेवन फोर्टीन, दैट इज द डी वन डी टू डी थ्री। चलिए, इससे जो बनने वाला है कुछ ऐसा होगा, टू फोर टू एंड लास्ट वन विल बी थ्री वन नाइन, विल बी रिप्लेस बाय द सिक्स सेवन फोर्टीन। हाँ, फाइनली डेल्टा जेड से भी जो वैल्यू निकालेंगे आप लोग तो आई थिंक माइनस 20 ही आ जाएगी। पहला चेक पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ था, डेल्टा निकालने के बाद में चेक पॉइंट ये था कि हमारे पास में डेल्टा की वैल्यू माइनस होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव होनी चाहिए, आइदर पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरा था डेल्टा एक्स निकालना था, तीसरा था डेल्टा वाई निकालना था, और चौथा था डेल्टा जेड। सब कुछ निकल चुका है, फाइनली जो वैल्यू निकालनी है हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए, इसको थोड़ा सा रिमूव कर दे रहे हैं। एक्स का जो फार्मूला होगा कुछ ऐसा होता था, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी, माइनस 20 डिवाइडेड बाई डेल्टा की वैल्यू माइनस 20, दैट विल बी वन। सेम प्रोसीजर वाई के लिए, डेल्टा वाई बाई डेल्टा दैट विल बी माइनस 20 डिवाइडेड बाई माइनस 20, फिर से वन, एंड लास्ट वन इज द जेड, डेल्टा जेड बाई डेल्टा दैट विल बी माइनस 20 बाई माइनस 20। अल्टीमेटली तीनों वैल्यूज हमारे पास में 111 आ चुकी है, हमारा इक्वेशन सॉल्व हो चुका है।
आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है फर्दर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।